हाय दोस्तों, राम राम। कैसे हो? और मैं भी ठीक हूँ, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं उठ के चाय पानी हो गई मेरी, इनको पिला रही हूँ मैं चाय। दो जने अभी उठे नहीं, और बेटी ने आ काम पर जाना नहीं था तो मेरे को नहीं पता। मैं उठ गई थी 6 बजे, पहले उठी 6 बजे, उठ के फिर दोबारा लेट गई, फिर उठी मैं 6:30 बजे। मैंने कहा लेट हो जाएगी इसको। 6:30 बजे उठ के मैंने सब्जी की तैयारी करी थी और चाय बना के चाय पी ली थी। तो उसके बाद मैंने कहा 7 बज गए, अभी तक उठी नहीं, नहाना भी जाना था उसने। फिर मैंने कहा क्या पता नींद पड़ गई होगी, मैंने उठाया उसको। उसने बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं आज काम पे नहीं जा रही हूँ। और तो मैंने कहा फिर मैं दूसरे बार की चाय पीने लग गई। और अब मैं इनको चाय पिला के फिर मैं आराम से बनाऊंगी नाश्ता। सब्जी की तैयारी मैंने कर रखी है और तड़का अड़का लगाना है, सब्जी में तड़का लगाना है। सुबह के टाइम पर मेरे को उठ के बहुत अच्छा लगता है, और सुबह उठ के मेरा चेहरा ऐसा भी नहीं लगता है कि जैसे कि मैं सो के उठी होंगी। और बस मेरा 2-3 घंटे के बाद मेरा चेहरा बदल जाता है। सुबह मेरे को ताजोतरी अच्छा लगता है। अब मैं इनको बच्चों को उठा रही हूँ, ये उठ ही नहीं रहे हैं, और तो ये उठते नहीं हैं। 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं जब, तो मेरे को यह हो जाता है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ना सुबह नाश्ता जल्दी हो पाता है और ना काम हो पाता है। अब झाड़ू झूड़ू भी लगाएंगे तभी लगाएंगे जब कमरे में से उठेंगे, और बिस्तर विस्तरा उठाएंगे तभी झाड़ू पोछा भी लगेगा। और वैसे बाहर बाहर वाले कमरों में से, दो कमरों में से और बालकनी से और वो लगा सकती हूँ झाड़ू पोछा। और लेकिन झाड़ू पोछा तभी अच्छा लगता है जब सब कमरों में से एक साथ लग गया। तो मैं आप क्या करती हूँ, कुछ काम करती हूँ, तब तक मैं नाश्ता भी नहीं बना सकती हूँ। तब तक नाश्ता भी गरम गरम बनाओ, गरम गरम खाओ तभी अच्छा लगता है। अब मैं क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। अब मैं तब तक, जब तक ये उठते नहीं हैं, तब तक मैं ये काम करती हूँ। ये कल कपड़े धो रखे हैं, ऐसे ही पड़े हैं, और ये काम भी मैंने ही करना है, चाहे मैं अभी करूँ या बाद में करूँ या कल करूँ या परसों करूँ, तो ये भी मेरा काम है। तो मैं तब तक, जब तक ये उठते हैं, तब तक मैं इनके तई लगाती हूँ। फिर ये उठ जाएंगे तो ठीक है, नहीं उठेंगे तो फिर मैं नाश्ता बनाना और झाड़ू लगाना शुरू कर दूंगी। तो मैंने कपड़ों की तई कर दी है, तई लगा के यहाँ पर रख दिए हैं। ये और इनको एक जगह से उठाया, दूसरे जगह सो गए हैं, क्या करें। मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, और मैंने घी और आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं। और मैंने इसको 2-3 सीटी लगा रखी है, इसी मैंने टमाटर भी गलाने के लिए रख दिए थे। तो मैं अब इधर मैंने प्याज लहसुन चॉप कर रखा है, तो ये भून के मैं इसमें से टमाटर निकालूंगी और फिर मैं ये ब्राउन हो जाएंगे, तो ये ब्राउन हो गए, मैं टमाटर निकाल के इसमें डाल दूंगी। कढ़ाई चढ़ा रखी है मैंने, तेल की बोतल यहाँ पर रखी है। यहाँ पे मैंने ये मशीन रखी थी घर में, तो ये मशीन चल नहीं रही है। एक बार मैंने ऐसे रेडीमेड वो लिया था, चादर लिए थे रेडीमेड, पता नहीं वो चादर मैंने सिली, 4 चादरों की वो उसके किनारे मोड़ के वो सिले थे अच्छी तरह से सिले, और
उसके बाद एक चादर, पता नहीं कैसी चादर थी वो, उस पे पानी जैसा निकल रहा था, पसीन जैसे पसीना निकलती है, तो इसके अंदर पता नहीं वो चादर से क्या हो गया, तो सारी मशीन पे जंक बैठ गया। मैंने सोचा कि धूल बैठी होगी, तो ये 2 साल हो गए इसको, 2 साल से ये बंद पड़ी है, ऐसी है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि यार तो थोड़ा सा देखना, अगर तेरी समझ में आता है तो थोड़ा इसको साफ सूफ करके उसके अंदर धूल होगी तो निकाल देना, और नहीं होगी तो फिर जो मशीन ठीक करने वाले आते हैं उनको दिखाएंगे और चल जाएगी, ऐसे तो ठीक है। तो मेरे बेटे ने ये खोल रखा है और सारे पेच निकाल के यहाँ पर रखे हैं सब, और वो तेल डाल रहा है उसमें, मशीन का तेल भी नहीं है, मिट्टी का तेल भी नहीं है, तो ये बादाम का तेल था, तो उसी में पेच वेच भिजा रहा है, भिगा रहा है और कर रहा है ये काम उसका। वो खोल दी और फिर साफ करेगा, फिर जोड़ेगा, तो वैसे बिल्कुल चल नहीं रही थी, तो अभी थोड़ा घूम घूम रही है मशीन, उसने घुमाया तो घूम रही है, और तो ये जुड़ेगा सब पेच लगा के और अपने अपने जगहों पर फिट करके पेच कसेगा, और तब देखते हैं कि चलती है नहीं चलती है। और तो मैंने इसको आज ये काम करने को बोल दिया, तो अब काम कुछ भी कर रहे तो परेशानी हो ही जाती है यार, अब दिमाग वाले काम है ये, कुछ उधड़ उधड़ जाते हैं, तो सिलाई रखने के लिए सही रहता है करके, इसलिए मैंने ये मशीन लेके रखी थी घर में। तो एक बार मशीन ठीक करने वाले को भी दिखाया मैंने, तो उसने एक इसका एक छोटा सा पार्ट था वो टूट गया था वो निकाला, और एक उसने सुई बताई मेरे को, सुई भी लगा के गया, उसने बोला कि ये सुई को ये कितने सालों तक चल जाती है, और अगर लाओगी भी तो इसी नंबर की सुई लाना, यही सुई लाना, और कितने साल तक तो तुम्हारी यही सुई चलेगी। तो ये 2 साल से बंद पड़ी है, सारा जंक लग गया इस पे, अब इसके पार्ट पता नहीं काम करते हैं नहीं करते हैं। इधर मैंने कपड़े धो दिए हैं, कपड़े धो के छत में डाल दिए हैं, और मशीन मैंने सुखाने के लिए रखी है, ये थोड़ा सूख जाएगा फिर उसके बाद ठीक करेंगे। मशीन इसने ठीक कर दी, आप थोड़ा सा वो धागा का सुलझाव करना बाकी है, और बिल्कुल भी नहीं चल रही थी मशीन, अट गई थी, और अब वो घूम रही है, सही घूम रही है, बस वो थोड़ा सा धागा समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ रहा है, वो धागा समझ में आ जाएगा तो मशीन ठीक हो गई है। सब्जी बना रही हूँ मैं, ये तड़का बन रहा है मेरा, तड़का लगा रही हूँ, मसाला बना रही हूँ, और यहाँ पर मैंने चावल बना दिए हैं, ये मैंने दाल उबाल दी है, उबल गई दाल, बस इसमें मसाले डालती हूँ और एकदम रेडी है। अभी दूध लेने गए थे, दूध लेके आई हूँ, और दूध ला के गर्म कर दिया, और यहाँ पे मेरी दिन की दाल बची है, और आज इसी से काम चलाना है, और कुछ सब्जी ये बच रखी है, और ये दही ला रखी हूँ, और दही और ये सब्जी के साथ ये खाएंगे, थोड़ा थोड़ा दाल खाएंगे, और आटा भी मैंने सुबह आटा गूंदा, किसी ने एक रोटी खाई, किसी ने 2 रोटी खाई, आटा भी मेरा यही बच रखा है, तो मैं यही इसी से ही काम चलाना है मैंने आज, क्योंकि फिर फ्रिज में रखा रहेगा जब, तो फिर सब्जी भी वहीं पड़े रहेगी, दाल भी वहीं रहेगी, आटा भी वहीं रहेगा, तो मैंने कहा इसी को पहले ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो ऐसे रह जाएगा। मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, और मेरे बेटे ने बोला है लच्छा पराठा बनाना है, तो ये तो खुद बना के ले गया अपने लिए अंदर, और एक मैंने बना रखा है, ये इधर से रखा है, ये इधर से रखा है, और 3 इधर से खुल रखे हैं, 2 इधर से खुल रखे हैं, और
बताना लच्छा पराठा कैसा हो रखा है। हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना खा के सब सोने के लिए चले गए हैं और मैंने भी खाना खा लिया और वही कल के दाल सब्जी जो थी उसी में खाया था और लच्छे पराठे बना के दिखाए थे आपको वो खाए थे। और तो मैंने चूल्हा साफ कर दिया, बर्तन बर्तन धो दिए हैं, आज थोड़ा बर्तन काम है और दोनों बहुत ज़्यादा रहते थे आज काम है और फिर भी मेरे को टाइम उतना ही लग जाता है साफ सफाई करते कुरते। दोस्तों खा लिया होगा खाना और आप लोग खाना खा के क्या करते हो? खाना खा के मैं अपना काम करके सीधा सो जाते हो या टेलीविजन देखते हो और ये फोन देखते हो, वीडियो देखते हो, क्या करते हो? और मैं तो खाना खाते ही मेरे को ऐसी नींद आ जाती है और उनको जो मेरे से पहले सोते हैं उनको नींद बाद में आते हैं, मेरे को सपने पहले हो जाते हैं। मेरे को तो ऐसे अच्छी नींद आती है रात को। और चलो सो जाते हैं फिर, गुड नाइट और कल सुबह मिलते हैं।